केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बॉबी देओल इन दिनों एनिमल की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में वे विलन बने हैं। उनके किरदार और स्क्रीन प्रेजेंस के चलते वे रणवीर कपूर पर भी भारी पड़ गए। उनके नेगेटिव रोल को खूब पसंद किया जा रहा है। बरसों पहले बॉबी ने जो प्रसिद्धि हीरो बनकर हासिल की थी, वह अब विलेन बनकर भी हासिल कर चुके हैं। बॉबी देओल ने बरसों बाद बड़ी स्क्रीन पर कमबैक किया। हालांकि इससे पहले वह फिल्म लव हॉस्टल में नेगेटिव रोल में दिखे थे। हालांकि यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी। एनिमल ने उनकी पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया है। अब हम बॉबी देओल को कई बड़ी फिल्मों में विलन के रोल में देखने वाले हैं। बॉबी देओल ने एनिमल में अबरार हक का किरदार निभाया। फिल्म में उनके कई डायलॉग्स नहीं है, फिर भी उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से ही ऑडियंस का दिल जीत लिया। अब वे साउथ की दो बड़ी फिल्मों में विलन के रोल में आपको नजर आएंगे। तमिल सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगुवा में बॉबी देओल नेगेटिव किरदार में दिखेंगे। यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है, जो कि एनिमल से 3 गुना ज्यादा है। यह एक पैन इंडिया फिल्म है जिसमें दिशा पाटनी भी है। कंगुवा दमदार टीजर सूर्या के बर्थडे पर आ चुका है। हालांकि मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का कोई खुलासा अभी तक नहीं किया है। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक यह 2024 में रिलीज होगी। बॉबी देओल पवन कल्याण स्टार हरी हरार वीरा मल्लू में भी विलेन के रोल में दिखेंगे। फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन पवन के कमिटमेंट की वजह से इसकी रिलीज डेट अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके रिलीज होने की संभावना भी अगले साल की है। इसी के अलावा वेब सीरीज आश्रम के 3 सीजन में बॉबी देओल को हम नेगेटिव शेड नहीं देख चुके हैं, लेकिन इसके अगले सीजन में वह पूरी तरह से विलन के रोल में ही दिखेंगे। अदिति पोहाणकर का किरदार पम्मी बाबा निराला से बदला लेता हुआ दिखेगा। बॉबी देओल को आश्रम में भी ऑडियंस और क्रिटिसिक्स ने खूब पसंद किया था। क्रिटिक्स ने उनकी अदाकारी को सराहा भी था। फैंस को सीरीज के 4th सीजन का बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज को प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।